नमस्कार सर। सत्यदेव जी, सर क्या नाम है आपका? भृगुदास जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सर रहने वाला था उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से आगे देवरिया है, वहाँ का हूँ, लेकिन दिल्ली में प्रॉपर रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 7वें महीने में 2014 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सारी साधनाएँ करता था, देवी देवताओं को पूजना, अपने घरों के देवी देवताओं को पूजना, सभी करता था, लेकिन दुखी रहता था हमेशा। बचपन में मेरे माँ बाप एक्सपायर हो गए जी, सारा जीवन मैंने कष्ट में संभाला। तो सर ऐसा क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें इस तरह आया, एक मेरा छोटा भाई है जी, दोनों पैरों से चला नहीं जाता था, और उसको सब बोलते थे कि झटका हो गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और करीबन उसके इलाज में 11 लाख रुपये लग गए जी। एक 25 गज का प्लॉट था बुद्ध विहार में दिल्ली में, वो भी बिक गया और कोई उससे बेनिफिट नहीं हुआ। इसके बाद वो हमारा छोटा भाई टेलीविज़न का काम करता है जी, तो वो साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की सत्संग आ रहे थे, वो सत्संग देखा और सत्संग में वो गीता जी खोल करके दिखा रहे थे कि भी जो शास्त्र विधु के त्याग करके जो मनमाना आचरण करता है उसे कोई सुख नहीं होता है। तो ये बातें उसके दिमाग में भी आ गई, छोटे वाला भाई के दिमाग में आ गई, और मेरा लड़का भी वहीं रहता था जी, वो दोनों पढ़े लिखे हैं, तो उनके दिमाग में आ गई बात ये। फिर इन लोगों ने क्या किया कि एक गीता जी खरीद के ले आया, ये देखने के लिए कि भाई गुरु जी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। फिर हर रोज़ देखने लग गया वो सत्संग, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते देखते उनको 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद मेरे छोटे वाला भाई के मन में आया कि भाई मैं बरवाला आश्रम जाऊँ और वहाँ नाम दीक्षा लूँ। फिर वो हमारा छोटा वाला भाई पहले जुड़ा, और वो 3 महीने की जो भक्ति करी थी ना, जो गुरु जी ने मंत्र दिए थे, जो साधना बताई थी और जो मर्यादाएँ बताई थी, मर्यादा को मन अपने दिमाग में रखते हुए उसने 3 महीने की भक्ति करी, और 3 महीने की भक्ति से वही दवाइयाँ जो दवाइयाँ सूट नहीं करती थी पहले, वही दवाइयाँ सूट करने लगी, और वो मेरा भाई चलने फिरने लग गया। जब चलने फिरने लग गया तो मेरा बड़ा लड़का जो था वो कहने लगा कि पापा जी, चाचा जी का बहुत बेनिफिट हो रहा है इस भक्ति से, मैं भी जाऊँगा बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगा। मैं कहा भाई तुम पढ़े लिखे आदमी हो, आप जाओ देखो, जैसा आपका इच्छा है वो करो आप लोग। और जा करके मेरा लड़का भी नाम लेकर के आ गया, और मेरा छोटा वाला भाई भी जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, और आज बहुत बढ़िया है वो सब। मेरी 2 लड़कियां हैं जी, इन दोनों लड़कियों को हर साल डेंगू होया करता था, और डेंगू में मैं इतना परेशान होता था। एक बार तो ऐसा हुआ जी कि जन्माष्टमी का व्रत था मैं, और मैंने एक छोटा हाथी गाड़ी ले रखी है जी, उधर तो पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली। डॉक्टर का कहना था कि भाई इनके खून की कमी है, खून लेके आओ तब इनका इलाज करेंगे। एक लड़की को मैं महावीर हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया था, दूसरी लड़की को मैंने भीमराव अंबेडकर अस्पताल है रोहिणी में उसमें भर्ती कराया था, और मैं बड़ा दुखी हो गया। मैं कह यार इतनी भक्ति करते करते भी हमें ऐसी परेशानियां हो रही है, लेकिन मैं फिर भी लोगों को देख करके, दूसरे को देख करके मैं ये भक्ति करता रहा। और मैं बड़ा दारू पीता था जी, नशा ही बहुत करता था मैं, और मानता नहीं था किसी की बात को, जो भी मेरे को बोलते थे मैं किसी की बात को नहीं मानता था। मैं कहता था कि भाई जो भी करना है खा पी करके मौज करो ऐश करो, यही है सब कुछ। लेकिन जब मेरे लड़के ने मेरे को गीता जी वो खोल करके दिखाई ले आकर के घर पे, तो मैंने कहा कि बेटा ये तो गीता जी है, इसको तो लोग सिर पे रखते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन यहाँ तो गीता जी ने तो कुछ और आदेश दे रही है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम तो इसमें से कुछ भी नहीं करती हैं। तो लड़की ने खोल के दिखाया कि पापा देखो, ये अध्याय 16 के मंत्र 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है उसे तो ना कोई सुख होती है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति प्राप्त होती है। तो हमें तो चाहिए सुख, चाहिए सिद्धि, चाहिए और परम गति चाहिए। परम गति का मतलब होता है मोक्ष। ये बात हमने सुना, और उसके बाद मेरे बच्चों ने कहा कि पापा एक बार सत्संग चलो। मैं कहा यार बेटा हम सत्संग जाएंगे तो 2000 रुपये मेरा नुकसान होगा, एक दिन गाड़ी खड़ी करेंगे 2000 रुपये नुकसान होगा, 2 दिन खड़े 4000 रुपये नुकसान होगा, और सत्संग में जाएंगे तो क्या मिलेगा, वही खिसी पीटी बातें। तो बच्चों ने कहा कि नहीं पापा आप चलो एक बारी, चलो आपकी दारू भी छूट जाएगी। तो दारू के लिए मैंने दवाइयाँ भी खाई थी जी, दारू छोड़ने के लिए, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हुआ, दवाइयाँ खाई कुछ नहीं हुआ। छोटे वाला भाई का जो बीमारी थी ठीक हो गया, तो मेरे बच्चों ने कहा कि चलो सत्संग चलो आप। तो मैं सत्संग में गया जहाँ गुरु जी बैठते हैं, बिल्कुल एकदम आगे जाके बैठा कि मैं देखूँ तो सही कि गुरु जी क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं। संत रामपाल जी महाराज गीता जी खोल के दिखाना चालू किया, जो भी मतलब गीता जी में लिखा हुआ है वो सारा उन्होंने निचोड़ लिखा कर दिखा दिया कि परमात्मा तो कोई और है, ये काल का लोक है, यहाँ आप रहते हो तो आपको दुख ही दुख है, क्यों गीता जी में लिखा हुआ है सब चीज़ें, लेकिन हमें गीता जी पढ़ने को मिलता नहीं था इसलिए हम लोग इससे वंचित थे। जब उन्होंने दिखाया तो मेरा मन वहीं से डमाडोल हो गया। मैं क्या यार हम कर क्या रहे थे, हमें करना क्या चाहिए था।
फिर मैं नाम तो नहीं लिया वहाँ से, मैं इसलिए नाम नहीं लिया कि मेरी दारू छूटेगी कि नहीं छूटेगी, लेकिन जब मैं आश्रम से वापस घर आया तो 15 दिन के बाद फिर बच्चों ने कहा कि भाई चलो पापा आप भी चलो, मेरे मन में हुआ कि मैं चलूँगा, मैं भी नाम लूँगा। उसी 15 दिन के बीच में मैं गाड़ी चलाता हूँ, जो छोटा हथीले रखा जी, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आजादपुर चौराहे पे दो स्कूटर वाले बच्चे आए थे, वो मेरी गाड़ी से घिसट करके कुछ दूर चले गए, उनके एक साइड में जो है इस साइड में घिसट गया, काफ़ी चोटें आ गई दोनों बच्चों की, उन्होंने गाड़ियाँ रोकी, सभी लोगों ने रुकवा दी गाड़ी, मेरी साइड में करवाई, मैं रुका, मेरे को पूछा कि भाई आप कैसे गाड़ी चलाते हो, मैंने कहा बेटा देखो हमारी तो कोई गलती नहीं इसमें, और देखो ये बच्चे इस साइड से रॉन्ग साइड से आए हैं और मैं तो बिल्कुल राइट साइड में हूँ, स्लो है, यहाँ टर्न गाड़ी है, लाल बत्ती है, लाल बत्ती हुई है, लाल बत्ती पर तो आपको पता है कि स्लो गाड़ी चलती है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे करो कि आप अपने घर वालों को फ़ोन कर लो, मैं अपने घर वालों को फ़ोन कर लिया। तो मैंने ये सोचा अपने मन में कि मेरा तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन मेरा लड़का कहता था कि जब भी आप कभी किसी मुसीबत में फंसो तो हमारे गुरुजी को याद कर लेना सच्चे दिल से। उस दिन मैंने देखा जी कि जब सभी गाड़ी वाले रोक दिए, सभी लोगों ने मतलब मेरे को मारा नहीं लेकिन सबने रोक लिया मेरे को, आस पड़ोस के जितने भी लोग थे उन्होंने सब रोक लिया मेरे को। फिर जब रोक लिया तो उन्होंने कहा कि आप भी फ़ोन करके बुला लो, तो मैं गाड़ी की तरफ घूमने गया, जब देखा कि सत साहेब लिखा हुआ है तो मेरा वो बात याद आई जब मेरा लड़का कहता था कि पापा कभी भी आपको कोई समस्या आए या कभी समाधान मतलब किसी में फंस जाओ बुरी तरह से तो हमारे गुरुजी को याद कर लेना। मैं उस दिन सच्चे दिल से कहा जी कि गुरुदेव आप ही हो हमारे लिए यहाँ पे, बाकी और कोई नहीं है। और वो लड़के थे जहांगीरपुरी सुल्तानपुरी, वो कहते जी हम तो फुकरे हैं, फुकरे का मतलब होता है जी गुंडा बदमाश, तो मैं तो डर गया जी उनसे। अब उस समय उन लोगों ने बड़े बड़े हट्टे कट्ठे आदमी आया उनके, कोई कार से आ रहा, कोई बुलेट से आ रहा, और जो भी आ रहा वो मेरे को यही कह रहा कि अंकल जी कैसे गाड़ी चला रहे हो, अंकल जी कैसे गाड़ी चला रहे हो। ये सब मैं देखा, मैं अचंभो हो गया, मैं कह यार ये कैसे इनकी बुद्धि पलट गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद हो सकता है कि गुरु जी ने ये काम कर दिया, संत रामपाल जी महाराज ने ये काम किया होगा, और तो किसी के बस का है नहीं। हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद बच्चों ने मेरे को बताया कि ये गुरु जी का कमाल था और गुरु जी ने ये काम किया, अब आपको नाम लेना चाहिए। फिर मेरे को विश्वास हो गया जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और हम उसमें परमात्मा से संबोधित करते हैं जी संत रामपाल जी महाराज को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत हुए, लाभ हुए जी। मेरे को शुगर की शिकायत थी जी, और शुगर मैंने 3 बार टेस्ट करा लिया, डॉक्टर के पास जाता था, दवाई लेता था, लेकिन डॉक्टर यही कहते थे जी दवाई खाते रहो, दवाई खाते रहो। जब मैं संत रामपाल जी से नाम लिया और नाम लेने के बाद मैं भक्ति करी, 15 दिन की भक्ति करी ना, तो हमारा शुगर जो है सिर्फ भक्ति की मात्र से, भक्ति करने से 15 दिन में शुगर भी हमारा बहुत कम हो गया। मेरी आत्मा को इतनी संतुष्टि मिली और मेरे को ये लगा कि भाई अब मैं इंसान वाली ज़िंदगी जीऊँगा। पहले तो शैतानी वाली ज़िंदगी था, उससे लूट लो, इससे घसोट लो, इसका लेकर के नहीं दो, लेकिन अब हम परमात्मा की शरण में जब आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये गलत काम है, किसी को लेके नहीं देना ये गलत काम है, किसी से मिलावट करना ये गलत काम है। परमात्मा हमारे कहते हैं कि आप लोग खून डोनेशन करते रहो ताकि गरीब आदमियों के काम आए, चाहे हमारे फौजी हों चाहे हमारे गरीब आदमी हों जिसके पास पैसे नहीं है, उनके काम आता रहे। हम गए जी, संजय गांधी अस्पताल है जी मोहलपुरी में, दिल्ली में। हम जब वहाँ गए तो डॉक्टर ने पूछा हमारे से कि भाई आपकी तो उम्र बहुत ज़्यादा है, आपकी तो 52 साल की उम्र है, आप नहीं ब्लड दे सकते हो। मैं कहा जी क्यों नहीं दे सकता, पहले ये बताओ कि आपको कोई बीमारी रही? मैंने कहा जी मेरी बीमारी तो बहुत पहले थी लेकिन मैं उससे ठीक हो चुका हूँ। बोला कभी आपको शुगर था? मैंने कहा हाँ जी शुगर था। तो बोला जी आपका खून नहीं लिया जाएगा। मैं कहा क्यों नहीं लिया जाएगा जी? तो बोला कि पहले आप भी अभी का आप रिपोर्ट करा करके दोगे हमारे को, तब आपका खून लिया जाएगा। फिर हम वहीं पर संजय गांधी अस्पताल में जा करके और हमने करंट पे अपना खून टेस्ट कराया, उस समय शुगर हमारा 118 आया जी। तो उसी डॉक्टर ने मेरे ऊपर नीचे देखा, बोला कि कैसे हो सकता है कि आपको शुगर है और ये नॉर्मल कैसे हुआ इतना? मैंने कहा जी हम तो भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति, संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति करते हैं। तो उसी डॉक्टर ने फार्म भरा और उसी डॉक्टर ने खून लेने के लिए सारा प्रोसेस जो भी होता है वो कंप्लीट कर दिया जी। और फिर मैं खून दिया जी, खून दे करके और मैं अपने घर चला गया जी। तो परमात्मा की दया से, भक्ति करने से मेरा शुगर भी ठीक हुआ और बहुत सारे ऐसे और भी लाभ हुए। हमारे बच्चे आज सुख शांति से रहते हैं, सारी बीमारियां दूर हैं हमारे घर से। और सर मैं नशा किया करता था जो, तो मेरा एक रोज़ डेली का एक हमारा नियम बना हुआ था कि मैं अपनी गाड़ी ले जा करके ठेके पे ही रोकता था, एक बियर एक क्वार्टर लेता था जी, और साथ में भाई उल्टी सीधे जो खाने की चीज़ होती है मांस वगैरह वो भी करता था, और ये सब पीने के बाद घर पर जाता था, गाड़ी लगाता था और अपना खाना खाता जी और सोता था। लेकिन उस समय में बहुत परेशान रहता था जी मैं,
कभी इसका देना पैसा, कभी उसका देना पैसा, कभी उसका देना, लेकिन परमात्मा की शरण में आने से, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो दारू भी छूट गई जी, और सारे नशे छूट गए हमारे, सारी बुराइयां छूट गई जी हमारी, और आर्थिक समस्या जो हमारी थी पहले से बहुत अच्छा हो गया जी। अभी अभी की बात है जी, मैं मकान, एक छोटा मकान था मेरा, उसको बेच करके और मैंने मकान बनाया जी। फिर दोबारा मैंने अपने घर वालों से भी पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और रिश्तेदार थे हमारे यहाँ पे, सब पैसे वाले हैं, उनको से सबसे मांगा मैंने, लेकिन किसी ने मेरे को हेल्प नहीं की, मेरे को सहायता नहीं की। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज, अपने परमात्मा से हमने अर्जी लगाई जी। जब अर्जी लगाई तो परमात्मा ने कहा कि बेटा, परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम अपना काम चालू कराओ। परमात्मा की दया से जी 2.5 मंजिल की मकान बन गई जी, और मेरे को ये नहीं पता लगा कि पैसे कहाँ से आया, परमात्मा की दया हुई जी हमारे से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने शुरू में बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे और बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर भी गए, वहाँ आपको लाभ नहीं मिला, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको सारे लाभ मिले। तो क्या कारण है कि लोग तीर्थों पर भी जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता, फिर वही लाभ संत रामपाल जी महाराज दे देते हैं? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी के अनुसार सारी साधनाएँ बताई और उससे हमारे को लाभ हो रहा जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो परमात्मा ही देंगे जी, संत रामपाल जी महाराज, हम तो उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि भाई जैसे मैं दुखी था वैसे आप दुखी मत हो। कम से कम हम लोगों की उम्र हो गई है, जो हमारा अनुभव है वो मैं आपको अपना अनुभव बताया, आप लोग भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ग्रहण कीजिए और नाम दीक्षा ग्रहण करके अपना कल्याण कराइए, जो सुख मुझे मिला है वो आपको भी मिले, ये मेरी आप लोगों से विनती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज की क्या चैनलों पे सत्संग आते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल हैं, उन चैनलों पे नीचे एक पट्टी चलती है पीले रंग की, उस पे सारे नंबर्स होते हैं, फ़ोन नंबर होते हैं, उस नंबरों को आप नोट करिए और नोट करके आप उसको फ़ोन कर लीजिए। जहाँ भी आप रहते हैं आपके नज़दीकी सेंटर का नाम नंबर दे दिया जाएगा और आप वहां जाकर के नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहिब।